हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अबाउट द एगारो इंस्टेंट टीथ व्हाइटनर किट। ये कुछ इस तरह का दिखता है। अगर आपके दांत येलो हो चुके हैं, स्टेन हो चुके हैं, जो कि एजिंग के साथ थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, आप जितने भी केयर कर लो। उसके अलावा अगर आप टबैको लेते हो या कॉफ़ी लवर हो, या आपके दांत कुछ केमिकल्स की वजह से स्टेन हो चुके हैं, येलो स्टेन हो चुके हैं, तो भी वो व्हाइट हो सकते हैं by using this kit। तो आगे इस वीडियो में मैं डेमो करके भी बताऊंगी आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एगारो की इंस्टेंट टूथ व्हाइटनर किट के अंदर आपको इस तरह की किट मिलेगा, जिसमें आपको 14 स्ट्राइप्स मिलेंगे जो आपको टीथ में लगानी है, एंड ऑल्सो एक मशीन मिलेगा जिसमें 24 ब्लू LED लाइट्स है, एंड उसको रिचार्ज करने के लिए आपको एक वायर मिलेगा, जो उसमें मैग्नेटिक चार्जिंग मेथड है, जो जैसे हम स्मार्ट वॉच वगैरह चार्ज करते हैं ना, उसी तरह का होता है। तो आपको उसको चार्ज करके रखना है एंड वो लंबे टाइम तक चलेगा, एक टाइम चार्ज होगा तो उसको फिर आपको यूज़ करना होता है। इसके अंदर आपको इस तरह का एक टीथ सेट गाइड भी मिलेगा, जिससे 1 से लेके 20 तक वाइट से लेके एकदम डार्क येलो तक का शेड है। तो आप इसको लेके चेक कर सकते हो आपकी टीथ कितना तक येलो हो चुकी है, कितना स्टेन हो चुका है और कितना वाइट होगा, मतलब यूज़ करने के बाद कितना वाइट आया है, कलर कितना चेंज हुआ है, वो इसमें आप चेक कर सकते हो। इसीलिए जब मैंने चेक करा स्टार्टिंग में, तो मेरा था 17। देन आफ्टर यूज करने के बाद क्या हुआ वो मैं आपको डेमो के बाद बताऊंगी। दिस इज कम्प्लीटली सेफ टू यूज, दिस अ फूड ग्रेड, एंड आपको बस ध्यान रखना है वो स्ट्राइप को स्वॉलो नहीं करना है। वैसे वो स्वॉलो होगा ही नहीं, वो इतना स्टिकी होता है, टीथ में एकदम से स्टिक होकर रहता है। इनिशियली आई वॉज वेरी मच अफ्रेड टू पुट एनीथिंग इन साइड माई माउथ, देन मैंने थोड़ा सा करेज लेके वंस जब ट्राई कर लिया, देन इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट, वेरी हैंडी टू यूज, एंड आपको इंस्टेंट रिजल्ट जब दिखेगा ना, तो आपको और एक्साइटमेंट आएगा कि मैं इसको यूज करूँ। देखो मेरी जो टीथ की शेड है वो अभी है 17 नंबर पे। एक स्ट्रिप में आपको 2 स्ट्राइप्स मिलेंगे, एक अपर टीथ के लिए, एक लोअर टीथ के लिए। फर्स्ट आपको लोअर टीथ में लगानी है, देन आप अपर टीथ में लगाओगे। ये काफ़ी स्टिकी है, तो इसको केयरफुली रिमूव करनी है। जल्दबाजी में रिमूव करेंगे तो अपने में ही वो उलझ जाएगा, आप इसको प्रॉपरली नहीं लगा पाओगे। फर्स्ट वाला मैंने जो निकाली वो लगाने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, बिकॉज वो पहली बार मैं लगा रही थी, ऊपर वाला मैंने अच्छे से लगा लिया। अच्छे से स्टिक करने के बाद आप मशीन को मुँह में लगानी है एंड पावर बटन ऑन करनी है, तो एक ब्लू लाइट चलेगा, एंड इसको आपको 10 मिनट्स तक रखना है। आफ्टर 10 मिनट्स इसको जब निकालेंगे, तब सलाइवा होगा, तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, बिकॉज मुँह काफ़ी टाइम तक ओपन था, तो ऐसे होता है। देन आपको तुरंत ब्रश वगैरह नहीं करनी है, वो स्टिक को स्ट्राइप को निकालनी है टीथ से, देन वॉश कर लेनी है अच्छे से। आप गागल कर सकते हो, अच्छे से वॉश कर सकते हो, बट ब्रश नहीं करना इमिडिएटली। वन मोर थिंग, अगर आप ब्रश करे हुए हो तो ये लगाने के बीच में 1 आवर का गैप तो रखना ही है। सो इनिशियली माई टीथ कलर वॉज इन 17 नंबर, बट नाउ इट इज 13 नंबर, यू कैन सी। सो वन टाइम यूज में ही इतना डिफरेंस पता चला है। विथ रेगुलर यूज, लाइक 3 to 4 यूज में आपको विजिबल डिफरेंस पता चलेगा, एंड विद इन 7 यूज आपको अच्छे से पता चल जाएगा कितना डिफरेंस हुआ है। तो आई थिंक अगर आपकी दांत स्टेन हो चुके हैं या कुछ भी येलो ज़्यादा हो चुके हैं कुछ भी कारण की वजह से, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू गेट, जिसमें टीथ वाइट हो सकती है विदाउट एनी लाइक ट्रीटमेंट और एनीथिंग, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है एंड ऑल्सो पेनफुल भी होता है। तो आई थिंक दिस इज अ वर्थ परचेज। इसकी बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपनी थॉट मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय।